लंच में या डिनर में क्या बनाएं, ये तो हमें रोज रोज समझ में ही नहीं आता है। घर के लोगों को पूछते हैं तो सभी लोगों का एक ही जवाब होता है कि कुछ भी बना लो। अब कुछ भी एक क्या चीज है वो तो हमारे भी समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपके लिए एकदम टेस्टी और हेल्दी थाली की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप लंच में या डिनर में कभी भी बना के सर्व कर सकते हैं। इसमें मैंने बनाया है लौकी चना दाल की सब्जी, गोभी गाजर और कैप्सिकम का सांभारा, दही की कढ़ी, एक अलग ही तरीके से जीरा राइस, साथ में मैंने त्रिकोणी पराठा, पापड़, अचार और मसाला छाछ सर्व की है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं एकदम टेस्टी और हेल्दी थाली। पहले हम फ्रेश मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, 5 काली मिर्च, एक टुकड़ा दालचीनी का और 3 लौंग लिया है। इन सभी को मैंने कढ़ाई में एकदम लाइटली भून के लिया है, ताकि इसे हम क्रश करें तो ये आसानी से क्रश हो जाएगा। दालचीनी को तोड़ के डाल देंगे। इसे मैंने क्रश कर दिया है, इसमें बड़ी इलायची का और छोटी इलायची का छिलका रह जाएगा, इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेश मसाला रेडी है। 1/2 कप चना दाल ली है, ये 100 ग्राम जितनी है। इसे 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया और 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। ये पानी हम निकाल देंगे और एक बार इसे साफ पानी से धो लेते हैं। दाल को अच्छे से धो लिया है, इसे कुकर में डाल देंगे। 350 से 375 ग्राम लौकी ली है, इसका छिलका निकाल के अच्छे से पानी से धो लिया और इसे छोटे टुकड़ों में चॉप करके लिया है इस तरह से। इसे भी कुकर में डाल देंगे। इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे, ये 1 कप और ये 1/2 कप, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। फ्रेश मसाला हमने कूट के रखा है, इसमें से 1/4 टीस्पून डालेंगे। 1 तेज पत्ता का 2 पीस करके डालेंगे, चला लेंगे। 1 टीस्पून तेल डालेंगे। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी तक इसे कुक कर लेते हैं। लौकी चना दाल का तड़का रेडी करेंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून देसी घी, 1/2 टीस्पून राई। राई को थोड़ी फूटने देंगे। राई फूटने लगी है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग। फ्रेश मसाला क्रश किया है, इसमें से 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे। लहसुन को 30 सेकंड लाइटली भून लिया है। 1 टीस्पून कम तीखी वाली हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। मसाला एकदम धीमी आंच पे ही भूनना है। 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट। 1 मिनट के लिए मसाले को भून लिया है। 2 बड़ी साइज का टमाटर कद्दूकस करके लिया है। इसमें आपको लहसुन नहीं डालना है तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून पंजाबी गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे दूंगी। 1/4 टीस्पून किचन किंग मसाला, इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। मसाले को अच्छे से भून लिया है और टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। चीनी डालने से सब्जी बिल्कुल भी मीठी नहीं बनेगी, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। 1/2 कप तेज गरम पानी डालेंगे। तेज आंच पे ढक्कन लगा के कुक करेंगे, तेल सेपरेट हो जाएगा। तब तक कुकर ठंडा हो गया है तो खोल के देख लेते हैं। दाल और लौकी एकदम अच्छे से कुक हो गया है। दाल एकदम अच्छे से कुक हो गई है। 3 से 4 मिनट अच्छे से इसे कुक कर दिया है और बीच में 1 से 2 बार चला लिया था इसे।
तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। आधा कप एकदम तेज गरम पानी डाल देंगे। ग्रेवी में एक उबाल आ गया है, लौकी और चना दाल बॉईल की है ये डाल देंगे। हल्के हाथ से चलाएंगे। लौकी और चना दाल अच्छे से कुक हो गई है तो फिर ये मैश हो जाएगी। कुकर में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के ले लिया है, ये डाल देंगे। सब्जी में एक उबाल आए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। सब्जी में एक उबाल आ गया है, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं आधी टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप पहले टेस्ट कर ले फिर बाद में अपने हिसाब से नमक डाल के मिक्स करें। लौकी चना दाल की सब्जी रेडी है, ऊपर एक और तड़का लगाएंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तड़का पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। 1 टीस्पून जीरा, जीरा लाइट ब्राउन हो गया है। 8 से 10 करी पत्ता, गैस ऑफ कर देंगे। 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। गैस चालू कर देंगे। पानी बॉईल हो रहा है, गैस ऑफ कर देंगे। पानी को अच्छे से उबाल लेना है। तड़का रेडी है, इसे हम सब्जी के ऊपर डाल देते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। लौकी चना दाल की सब्जी रेडी है, ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे। एकदम नए तरीके से जीरा राइस बनाएंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को लाइट ब्राउन भून लेते हैं। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है, 9 से 10 काजू का पीस किया है ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून किशमिश, काजू और किशमिश को भी थोड़ा भून लेते हैं। काजू और किशमिश को भी 1 मिनट के लिए भून लिया है। किशमिश अच्छे से फूल गई है, इसे एक साइड में कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे। 1 कप बासमती राइस को स्टीम राइस बना के लिया है ये डाल देंगे। हल्के हाथ से चलाएंगे ताकि चावल का दाना टूटे नहीं। चावल उबालते टाइम मैंने इसमें नमक मिलाया था तो अभी मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। चावल को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मेरे पास फ्राइड ऑनियन है, तला हुआ प्याज वो मैं डाल रही हूँ। जो बिरयानी में हम डालते हैं बिरिस्ता वही है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आपके पास ये है तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। जीरा राइस रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। दही की कढ़ी बनाएंगे। 1 कप खट्टा दही लिया है, इसे एक टॉप में डाल देंगे। मैंने मीडियम खट्टा दही लिया है। 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। मथनी से अच्छे से बेसन और दही को मिक्स कर देते हैं। आप इसे विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं और हैंड ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। दही वाले कप में 1 कप पानी लिया है ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 कप पानी और डालेंगे। दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून चीनी, या चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1/2 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1/2 टीस्पून लहसुन की पेस्ट। अगर आप लहसुन कढ़ी में नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे। कढ़ी के मिश्रण को गैस पे रख दिया है, गैस चालू कर देंगे। तेज आंच पे लगातार चला के इसे एक उबाल आ जाए तब तक कुक करेंगे। कढ़ी को हम चलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगी, दही और पानी अलग हो जाएगा। कढ़ी में 1 उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेते हैं और धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए इसे उबालेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। कढ़ी को 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे उबाल लिया है। अभी हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी गरम हो रहा है तभी हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। 1 हरी इलायची को ऊपर से खोल के डालेंगे। बादिया का 1 पीस लिया है छोटा सा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 लौंग, 1/4 टीस्पून राई। राई को थोड़ी चटकने देंगे। राई फूट रही है तभी हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। 10 से 15 मेथी के दाने, 1/4 टीस्पून हींग। जीरा ब्राउन हो गया है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। 8 से 10 करी पत्ता,
ये तड़का हम कढ़ी में डाल देंगे। कढ़ी में एक उबाल आए तब तक इसे कुक कर लेते हैं ताकि तड़का अच्छे से अंदर मिक्स हो जाएगा। कढ़ी बॉईल होने लगी है, गैस ऑफ कर देंगे। कढ़ी को सर्व करने के टाइम पे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और अगर आपके पास फुदीना है तो फुदीना भी आप बारीक काट के 5 से 6 पत्ते डाल सकते हैं। गोभी, गाजर और कैप्सिकम का संबारा बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 1.5 कप पत्ता गोभी लंबी और पतली काट के ली है। इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक को अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए पत्ता गोभी को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पत्ता गोभी अपना पानी छोड़ देगी। गोभी में से पानी रिलीज हो गया है। इस तरह से थोड़ी हल्के हाथ से इसे मसल लेंगे। इस तरह से पानी को निचोड़ के निकाल देंगे। इस तरह से गोभी का पानी निकाल लेते हैं। ये गोभी का पानी निकला, इसे आप रोटी का डो बनाने में या सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1/2 टीस्पून राई, राई को क्रैकल होने देंगे, गैस की फ्लेम धीमी कर लेते हैं, 1 पिंच हींग, 1 कम तीखी वाली हरी मिर्ची को स्लिट करके लंबा पीस किया है और मैंने इसका बीज भी निकाल दिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटी गाजर का लंबा पीस किया है और 1/2 शिमला मिर्ची का लंबा पीस किया है, ये डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं। सब्जी को ज़्यादा कुक नहीं करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, ये क्रंची रहनी चाहिए। गोभी डाल देंगे, 1/4 कप ककड़ी का लंबा पीस किया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के 1 मिनट के लिए ही कुक करना है गोभी को। 1 छोटा टमाटर का बीज निकाल के लंबा पीस किया है, 1/4 टीस्पून चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक हमने गोभी में डाला था तो 1 पिंच जितना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तेज आंच पे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। 1/4 टीस्पून चीनी में और डाल रही हूँ, गैस ऑफ कर देंगे। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून चीनी डाली है। 1 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। गोभी का सांभारा रेडी है। गैस मैंने बंद कर दिया है। लास्ट में 4 से 5 ड्रॉप नींबू के रस का डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। एकदम टेस्टी और हेल्दी थाली बनके रेडी हो गई है। साथ में हमने त्रिकोणी पराठा, पापड़, अचार और मसाला छाछ सर्व की है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।